दस दिन में हमारी मांगी नहीं मानी जाती हैं, तो जो भी सिचुएशन होगी, जो भी हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे, तो अगर किसी विद्यार्थी को नुकसान होता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार प्रशासन। प्रशासन के साथ भी माथापुड़ी हुई थी, उसमें भी छात्रों को नुकसान हुआ था। कॉन्स्टेबल ही जो आदमी ही बक द्वारा लड़कियों के ऊपर लाठी मारी जा रही, अगर इनको लड़ना ही होता तो हाथ में हथियार लेके कलेक्ट्रेट पहुँचते। अब लावणी की चिंता छोड़ो, क्योंकि राजधानी मशीनरी लायो है फसल काटन की आधुनिक मशीन, जकी एक घंटा में करा है 40 मजदूरा जत्तो काम। आज ही ऑर्डर करो, पहले आओ और मशीन के सागर स्मार्ट एलईडी टीवी फ्री ले जाओ। सगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू गमा। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन उमेश। 14 तारीख का कुछ वीडियो झुंझुनू में लगातार वायरल हो रहे हैं, जिके अंदर कलेक्ट्रेट की सामा की घटना पा देख कहा, जिके अंदर की NSUA का कुछ छात्र आपकी 7 सूत्रीय मांगान ले की कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने पूछा, जी के बाद में माहौल इतो उग्र होगो, इतो तनावपूर्ण होगो कि पुलिस प्रशासन ने NSUA का छात्रा का बीच में एक छोटी मुठभेड़ सी होगी, जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ही लाठीचार्ज की बाका ऊपर भी के खिलाफ और बाकी के मांग ही और जो 7 सूत्रीय मांग ही वह के हैं सारी जानकारी बाहू लेसा, और काल को जो पूरा घटनाक्रम है भी कबार हम भी जानकारी लेसा। थे और धरनो दियो धरने की जो शुरुआत भी टाइम जो थारी 7 सूत्रीय मांग ही वह मांगा के बारे में बताओ दर्शक। ये 7 सूत्रीय मांगा ही ये आज उगनी बहुत पुरानी साल है, जब से अपना महाविद्यालय खुली है ये मांगा शुरुआत से ही चलती आ रही, जब मोरार का कॉलेज में प्रवेश लियो तब भी ये मांगा चल रही, लेकिन हर बार क्यों है कि आपने जब छात्र संघ चुनाव आवे तो हर एक छात्र संगठन आई मुद्दा लेके चुनाव लड़े। अच्छा भी बहुत छात्र संगठन आम मुद्दा जहाँ उर्दू है, NCC है, MCOM है, MA के अंदर हिस्ट्री है, जो रिक्त पद खाली पड़े ही अन भरवाने के लिए हर छात्र संगठन मुद्दा लेके चुनाव लड़े। पीछे आपने कई सालों छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहा, तो आपनों पहलो काम यो बने कि जब आप छात्र राजनीति की आप शुरुआत करी है, जब छात्र राजनीति का अपना उद्देश्य ये है कि आपने कोई भी विद्यार्थी ने अपना होता से थी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आके कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, तो आपनों दायित्व बने कि आप मांगन लेगी सड़क पर उतरा। धरनो की शुरुआत करे हुई काल जब घटना हुई भी टाइम अभी पल ये आंदोलन की शुरुआत कम से कम 15 दिन पहले शुरू हो चुकी ही। 15 दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री जी का नाम हमने ज्ञापन दिया था कि हमारी ये 7 सूत्री मांगी है, छोटी छोटी मांगी है, कोई हाई फाई मांगी ही नहीं है, तो इन मांगों को पूरा करो, इसके लिए हम आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 दिन में हमारी मांगी नहीं मानी जाती हैं, तो जो भी सिचुएशन होगी, जो भी हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे, तो अगर किसी विद्यार्थी को नुकसान होता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार प्रशासन। खत्म हो गया 10 दिन, ज़्यादा ही हो गया, लेकिन बीच में आप हर टाबरू मत जाने कि आप अगर कोई आंदोलन करार अगर आपने साथ भी मैं विद्यार्थी नहीं है तो भी आंदोलन को कोई मतलब कि आप भीड़ ही सब कुछ को नहीं हो है, बीच में आप हस्ताक्षर अभियान रखियो, 5 दिन रेगुलर हस्ताक्षर अभियान चलायो, भी हर एक क्लास को टाबर आके सातु मांगन पड़ी, फिर जब भी कहीं होगी कि ये मांगा अपने कॉलेज में जरूरी तो जाके बाक ऊपर साइन करियो। कुल कितना साइन होगा? कुल में समथिंग 1600-1700 के समथिंग साइन हो गए थे। संख्या कितनी है छात्रा की? छात्रों की क्या है कि छात्र ये अभी रिक्त पद चल रहे हैं, इसके कारण ये बच्चे कभी कोई आता है, कभी बोलते हैं कि सोमवार को क्लास लगेगी, कोई शनिवार को क्लास लगेगी, तो ये परिवर्तित होते रहते हैं, ये रिक्त पद होने के कारण ना तो कोई क्लासें लगती है। सोचने वाली बात यह है कि BSc के अंदर तो अभी तक केमिस्ट्री का सिलेबस ही स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक प्रमुख मांग है। 3-4 लाइब्रेरी अध्यक्ष के लिए मांग कर रहे हैं, लाइब्रेरी अध्यक्ष लाइब्रेरी खुलवाने के लिए मुझे तालाबंदी की थी, प्रशासन के साथ भी माथापुड़ी हुई थी, उसमें भी छात्रों को नुकसान हुआ था, लेकिन अंततः वो लाइब्रेरी खुल गई थी। उन्हीं मांगों को लेकर हमने 14 तारीख का सभी विद्यार्थियों ने एक साथ बैठ कर डिसाइड किया कि 14 तारीख को हम छात्र अधिकार रैली का आयोजन करेंगे, जो यहाँ से लेकर कलेक्टर तक रवाना होगी, फिर मैं कलेक्टर साहब को अपन ज्ञापन देकर शीतकालीन धरने पर बैठेंगे, अगर उसमें भी हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो अपन मजबूरन भूख हड़ताल पर उतरेंगे। पीछे भी हमने छात्र आंदोलन किए जिसमें हमारे साथी की मौत भी हुई है, सबको वाकिफ है कि कलेक्टर क्लास के लिए महारानी सरकार के समय कलेक्टर की ऊपर धरने पे बैठे थे, उसमें हमारे साथी की मौत हुई थी। तो हमारा पहला प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि कोई छात्र संघ चुनाव हो ना हो, हम 24 घंटे के लिए छात्रों के लिए तत्पर रहें। इसी मांगों को लेकर जब हमने 14 तारीख को डिसाइड कर लिया कि अपना छात्र अधिकार रैली का आयोजन करेंगे, तो हमने यहाँ पर कम से कम 1300-1400 स्टूडेंट यहाँ से जब रैली के लिए रवाना हुए, तो हमने क्या हर 1400-1400 छात्र आगे 1300-1400 प्लस या कम गुनिया। वो जो ग्वाद को जो घटनाक्रम रहे के बारे में बताओ। जब ये 8 रैली लेके चलिया एकदम शांतिपूर्ण तरीके में, प्रशासन को तो सहयोग करियो कि प्रशासन भी मारी पिटाई करियो कि थे इतने शांतिपूर्ण तरीके में, इतनी संख्या लेके थे जो कलेक्ट्रेट पर चले, मान्य कोई परेशानी को नहीं होना पड़ियो। लेकिन जब मैं कलेक्ट्रेट का ऊपर पूछा तो
तो कुछ चीजा तो यहाँ की लगे जगी पहले सोची समझी कलेक्ट्रेट के ऊपर गया बहुत धूप ही टाबर बैठा लड़का लड़की सब बैठा जद सगला आप आपकी बातें बता के जब मेरी बारी आई तो मैं बातें बता के जब यह हुई कि 20 या 25 जना कलेक्टर साहब हो या तो कलेक्टर साहब बाहर आ जाओ या कलेक्टर साहब हो मन 20-25 में मिलने दो क्योंकि 5 जना ज्ञापन दी 4 जना ज्ञापन दी वो ज्ञापन ने मेरे हिसाब कदे सरकार तक पूछे को नहीं वो भी उठाए रद्दी का भाव जाए क्योंकि अगर प्रशासन तक यह बात पूछे तो मैं कौन मानूँ अगर 100-100 ज्ञापन अगर पूछ जाए बहुत संगठन ही जगह पूछा हुए फिर अगर हम मांगा पर गौर नहीं हो तो मैं कौन मानूँ कि जिला को सौ बड़ों को ले जाए सौ ज्यादा है कमाई स्ट्रेंथ है जाने माने महाविद्यालय है गरीब किसान वालों को टपरी का पढ़ना हो 60-70 रुपया खर्च करके आवे 60-70 रुपया कितना हो 4-5 बस बदल के आवे फिर आ गई जा जब वहाँ को रिजल्ट रहे फेल घर का सोचा बैठो तो फेल हो गयो फिर अगर देखा तो वहाँ को सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं है जब स्टाफ ही नहीं है तो पाँच चीज़ें लेके जब भी जब विज्ञापन देने के लिए प्रयास करियो तो नॉर्मल एक छात्र आंदोलन थोड़ी बहुत पीस हो जाए कोई बड़ी चीज़ को नहीं हो तो अचानक माने हर चीज़ में मैं दिल्ली भी बहुत बार 4 या 5 लोगों की परमिशन मिली अंदर जाने के लिए माने 4 जना की ही मिली 4 जना की मिली तो 4 जना लोग और भी संगठन बड़े ज्ञापन वगैरह दी 4 ही लोग जाए करें तो एक तरीको देखा तो नियम सो ही है अपना अपना नियम सो है लेकिन मैं मानूँ अगर आपने सिर्फ सुबह अखबार की हेडलाइन बनना है आज अगर कल वो लाठीचार्ज जो इतनी बातें हुई मेरे साहब वो आपने माता सरकार तक पहुंची जति पे ज्ञापन आज तक उन पूछा मैं 5 जना की करी तो लड़कियां ऊपर हाथ करी बोली मैं भी जाऊंगी अब एक चीज देखो आज तक कोई छात्र आंदोलन हो लड़कियां कदे आगे को नहीं हुए अब लड़कियां आगे हो रही मीडिया का मैंने भाषणबाजी करी मतलब अगर कटे ना कटे तो गढ़ रही है वो मामलो कि आपने कॉलेज में अति बड़ी समस्या आई अब लड़कियां के लिए कैंटीन भी होनी लड़कियां जा तो कटे जा अगर आपने जब पढ़ने की व्यवस्था है फिर जब लड़कियां आगे हुई तो सोचने लायक बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल ही जो आदमी ही बक द्वारा लड़कियां के ऊपर लाठी मारी जा रही गेट के ऊपर निकलने को प्रयास करियो तो एक पुलिस कांस्टेबल मेरा टांग पकड़ लिया फिर भी जो मन खेचा तो मैं भी जाऊँ उल्टा माने हो जी टाइम शायद मेरी बेहोशी की हालत भी हो जाए तो जब लड़कियां को मारी जाए तो मैं उठ के भागने को प्रयास करूँ मान रोकने को पुलिस ने प्रयास करूँ तो बिजाई एक लेडी कांस्टेबल आवे जो लाठी चार्ज होगी शुरुआत पहली होगी जबकि कुछ लोगों को भी खेण होगी पहली थार कानी पथराव देखो सीसीटीवी फुटेज ही जिले के अंदर आपने इतना सीसीटीवी कैमरा ही और बिजा जद पहलो काम तो यो है कि आपने प्रशासन चेतावे कि मैं थारे ऊपर लाठी चार्ज करांगा मतलब 1% अपर अपन सोच भी नहीं सकते अपन लाठी चार्ज की उम्मीद ही नहीं कर सकते फिर अचानक वहां पे क्या होता है जैसे हम प्रयास करते हैं इतने में अधिकारी साहब आते हैं शक्ल जानता हूं उनकी क्या नाम इतने में नहीं जानता मेरे पास रिकॉर्डिंग है तेज है अगर 1% सिचुएशन में भी ये होता है कि छात्रों ने पथराव शुरू किया समखा के छात्र राजनीति छोड़ दूंगा जीवन में इस झुंझुनू की धरती पे कदम नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने पूरे ध्यान से देखा है छात्र सर सर कर रहे हैं वो सर उनको लाठियां मार रहे हैं फिर अचानक एक लेडी कांस्टेबल को लगती है वो वहाँ पे एक सीन होता है कि लेडी कांस्टेबल को लगती है उनको जिप्सी में बिठाया जाता है तो मैंने सोचा यार अपने इतने शालीन विद्यार्थी हैं अगर इनको लड़ना ही होता तो हाथ में हथियार लेके कलेक्ट्रेट पहुंचते थान गिरफ्तार करियो तो कितना जना गिरफ्तार करियो और गिरफ्तारी करी बीको के घटना क्रम रहे देखो जद बे लाठी चार्ज करियो तो मान बहुत लोगों चोट आई जाए मेरे हाथ टूट गयो हो शोल्डर भी मेरे एक तरीको टूट ही गयो हो क्योंकि अभी तक सूजन है फिर जद मारे एक लड़को साथी इन्हें जद लेके जा रहा तो मतलब अधिकतर ने तो मारा साथियों ने गिरफ्तार कर चुका जब मैं भी जहाँ रोड के ऊपर मैं बेहोश पड़ गया तो एन बचाने के चक्कर में मैं अचानक भाग्या अचानक जब भाग्या तो एन रोकने की मैं कोशिश करी तो आप एक चीज़ देखा कि आपने मैं रामू गाड़ी में बैठने तैयार मन कोई दिक्कत को नहीं रामू मैं गिरफ्तारी देने तैयार अचानक ही 2 या 3 पुलिस साथी आवे बाढ़ पकड़े मतलब के घुसो काटना चाह रहे हैं विभाग से मारा पीटी कर रहे हैं फिर जो मन गाड़ी के अंदर धकेलो जाए एक गाड़ी को ड्राइवर है 3 जना का बाढ़ पकड़े बाल पकड़ की बाने इतनी गंदी गालियां दे है कि आप मीडिया के सामने को नहीं बता कर सका बाकी साहब हम थप्पड़ थप्पड़ करें मान थाना में ले जाए जो तो पीछे पूरी रास्ते में ये गाड़ी निकाले जाएगी थे थाना में पूछ लो एक बार था जब तो मैं कर देशा मतलब मैं कौन सो गुनाह कर दियो फिर जयबाद में के बद सलूकी करी था जो मान थाना में उतारा तो मतलब यूँ उतारने के साथ ही बीजा का भी अगर सीसीटीवी फुटेज निकलो तो कब तो कैसी तरीकों बाढ़ फाड़ की बाकी लता की मार रहे हैं बाकी लठा की मार रहे हैं मैं कोई भी पुलिस ने नुकसान को नहीं पहुँचाया तो मैं कौन सी दुश्मनी मारूँ काट रही फिर मैं जूँ बीजा जावा तो मान सकूँ मारा बेल्ट वगैरह निकलवा दी बेल्ट वगैरह निकलवाने के बाद मैं यूँ मेरे दोस्त भाई है एक फोन से वीडियो थी तो मतलब आपको दम पर यहाँ दिखाना चाहूँ कि
का पेटर्न लो खून, तो मेरे साबु ही अधिकार कोई ने भी कोई नहीं हो कि अपनी प्राइवेसी को चेक कर सके। तो एक बाल पकड़िया जाए, बाल के साथ दो चट्टू भी मारे जाए। अगर खोलोगे फोन? फोन खोलियो मैं, फोन कौन खोलियो? फिर बोलिया तो एपरा ने हालात में बंद कर दियो, सब माना हालात में बंद कर दियो, मान 10 दिन रख लियो, मारे को दिक्कत। मैं मारी बाजी मांगा लेके जेल में आया तो सन बेरो है कि ये मैं गलत को नहीं, एन अकेले बुलाया जाए, एन फोर्स करे जाए कि तन छोड़ देगा, तू तो तड़ो वीडियो डिलीट करवा दे। फिर जब माने हालात में बंद करे जाए, फिर मारा सगड़ा साथियन धीरे धीरे ले जाए, सगा सगा मतलब इतना गलत व्यवहार कि अब सोच भी कौन सका। फिर अचानक मारकन आ कि एक अधिकारी साहब पूछे बाकी पीछे वो बॉय ड्राइवर पीछे खड़े है और वो गाड़ी क्लोज कर रहे हैं कि आऊंगे। अगर 99% बेबी वीडियो ला जाएंगी कि आप हर एक चीज मुद्दे पर बोलने को प्रयास कर रहे। जब भी पीछा हुए तो आपने अधिकारी साहब बोला है कि थे नेता हो गए बेटा, थारी नेतागिरी में निकाल दूंगा। मेरे हिसाब से एक पढ़े लिखे अधिकारी को ये बोलने का कतई अधिकार नहीं है कि तेरी मैं नेतागिरी निकाल दूंगा, आपका जीवन बर्बाद कर दूंगा, आपके ऊपर मुकदमे लगा दूंगा। अरे आप जो उचित कार्यवाही हमारे ऊपर करना चाहते हो करो, मना थोड़ी कर रहे हैं। फिर हमको आकर पूछते हैं कि आप कौन से गुट से हो, बोले आप पूर्व पदाधिकारी हो वर्तमान पदाधिकारी हो। मैंने बोला साहब हम तो एनएसयू के छोटे से सिपाही हैं, पूर्व वर्तमान नहीं जानते, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है। तो मैं ये सोचने वाली बात है कि थाने का काम कानून जो बनाया गया है उसकी पालना करना और करवाना है। वहाँ पे कौन से पदाधिकारी हैं, क्यों हमको इतना ट्रीट किया जा रहा है, कौन से गुट से हो। अरे मैंने 10 बार बोला तो मेरे साथ भी थोड़ी ऐसे करने का प्रयास किया, बाल बाल उपड़े मेरे कि तेरे को नेता बना देंगे। हरवाई वाली कोई बात ही नहीं थी, 7 घंटे बैठा के रखा वहाँ पे। अगर हम पानी जमानत दे दी, 7 घंटे बाद जमानत क्या थी, पानी के लिए तरसा दिया वहाँ पे, जैसे हम कोई को मार के पूछिए। अनि साहब 2 घंटे रुको, सब पानी पीना हमको, 3 घंटे रुको, सब हमको बाथरूम जाना है, अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, 2 घंटे रुको। ये तो बदसलूकी वहाँ पे चल रही है, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम पता नहीं कितने बड़े अपराधी हो गए। फिर वहाँ से हमको जैसे छोटा बोले तुम अनशन करोगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे, आप ही तो हमें मारते हो, हम कौन सा आपको नुकसान पहुँचाते हैं। हम यहाँ पे पहुँचे, सभी साथी तैयार थे, बोले अथवा सीधा भी जाऊँ मन, कलेक्ट्रेट ले गया, कलेक्ट्रेट हूँ, पेश किया मन, साइन करवाया जगी, खाना पूर्ति करी, भिजाऊ कि आगू दिख गया हो तो था। मतलब उम्मीद कौन कर सका कि बस आपने साथ बोले। एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष सभा कोई पूरा मामला पर वो बयान है कि एनएसयूआई का जो ओ गुट है, एनएसयूआई को जो आंदोलन कर रहे हो, बाकी सागवा को कोई लेनो देनो कोई नहीं, लेकिन राहुल जाखड़ बाकी साथियों खेड़ों की भी लगातार एनएसयूआई के साथ जुड़ेड़ा ही, और वो जो आंदोलन है वो एनएसयूआई ही कर रही है। जी के बाद में जो पुलिस प्रशासन है और कलेक्ट्रेट है पर काफी आरोप भी लगाया, बाकी भी थान जानकारी वीडियो के अंदर दी जा चुकी है। थारे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, जल को झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटा, एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद जय झुंझुनू।